हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल कर सकोगे। अगर आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन लाइट नहीं है और है भी तो भी आप अपने डिस्प्ले के ऊपर कुछ इसी तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल कर सकोगे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट को एनेबल करने के लिए कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो स्टेप बताऊंगा अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया तो दोबारा आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पहले से। तो कहीं पे भी स्किप मत करना। हे गाइस, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं दीपटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से जो है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसा है सेटिंग। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पर आपको सर्च करना है AOE। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑलवेज ऑन एज। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको इसको ओपन कर देना है। बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो वो आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा मेन सेटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टैप करना है मेन सेटिंग पर, और जैसे ही आप मेन सेटिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सेटिंग मिलेगा जिनको आपको एनेबल करना है। तो यहाँ पर आप स्टेप को पूरा फॉलो कीजिए। जैसे कि इस वाले सेटिंग को हमें टिक देना है, मतलब एनेबल करना है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पर एनेबल किया और वापस हम बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर बैक अगेन बैक। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है टिक कर दिया। ऐसे आपको सबको टिक करना है, सबको एनेबल करना है, जितना भी परमिशन मांगेगा सबको एनेबल कर देना है। फिर यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से हम हो जाएंगे बैक। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मेन सेटिंग पर जितना भी परमिशन मांगेगा सबको आपको अलाउ कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर मेन सेटिंग का काम हो गया है। अभी हम चलेंगे सीधा लाइटिंग सेटिंग पर। तो यहाँ पर आप फॉलो करना वीडियो को। यहाँ पर लाइटिंग सेटिंग पर चलेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है डिवाइस स्क्रीन कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिवाइस स्क्रीन कॉर्नर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एडजस्ट मैन्युअली। फिर यहाँ पर कुछ छेड़कर नहीं करना है। एडजस्ट मैन्युअली को सिलेक्ट करने के बाद नहीं करना है एड्स थिकनेस पर। यहाँ पर हम अब इसकी जो है थिकनेस हम मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कम रखना है इसकी थिकनेस तो हम कम रखेंगे, और अगर हमें ज़्यादा रखना है तो यहाँ से हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया है, आपको भी कर देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है डिस्प्ले नॉच सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको एडजस्ट ऑटोमेटिकली और एडजस्ट मैन्युअली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको और एडजस्ट मैन्युअली सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका नॉच जो है, जो भी नॉच है UOV, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरा वी नैरो है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है वी नैरो। और यहाँ पर फिर आपको नॉच वाइड देखने को मिलता है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉच हाइट, जैसे कि इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाइट यहाँ पर देख सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर माइनस और प्लस का ऑप्शन मिलता है जिससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मिलता है हमें कर्व रेडियस, तो इसको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर टैप, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट लेफ्ट और कॉर्नर सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेंटर रखना है। अगर आपका जो है पंच होल जो ओ नॉच होता है वो है तो आप राइट, जो कि राइट और लेफ्ट में होता है, तो वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको मिलेगा लाइट प्लेसमेंट, तो यहाँ पर आपको अराउंड नॉच नॉच ओनली ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर एज स्टाइल, तो यहाँ पर आपको स्पार्कल रखना है। स्पार्कल सबसे नीचे आपको मिलेगा स्पार्कल, इसको आपको रख देना है। फिर आपको वापस नीचे जाना है और एज कलर अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है रेनबो कलर रखा है, तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि वन कलर हो गया, तो यहाँ पर वन कलर पे आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड रखा और ब्लू रखा, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ अच्छे वो अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर यहाँ पर थ्री कलर है, थ्री कलर पे भी आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन रख दिया, तो मेरे को सबसे अच्छा लगा रेनबो, तो यहाँ पर मैंने रेनबो सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद तो यहाँ पर लाइटिंग मोड है, तो इसको आप कंटिन्यू
यूज़ रख दीजिए। लाइटिंग इफेक्ट जो है वो आप यहाँ पर नॉर्मल ग्लो और फिर जो है डैश रख सकते हैं। डैश रखने से आपका जो है लाइटनिंग नोटिफिकेशन लाइट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पर मेरे को ग्लो ही अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर ग्लो रख देता हूँ। फिर अपना काम जो है यहाँ पर हो गया है लाइटिंग सेटिंग का। यहाँ से हम कर देंगे इसको सेव। और यहाँ से और एक बात दोस्तों, यहाँ से एज जो स्पीड है इसको आप स्पीड को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकोगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर मैं हाई कर दूंगा तो इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 1 या फिर 2 पर रखूँगा तो इसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगा नॉच का। तो फिर इन सब को आपको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करते टाइम दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है फ्री वॉच वीडियो, तो उस पर आपको क्लिक करके इसको सेव करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो तो सेव एंड सेव सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें जाना है एक्स्ट्रा वॉच जो सेटिंग है, इस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हमें कुछ चेहरा नहीं करना है, खाली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये आपका सेंटर में रहना चाहिए और फिर यहाँ पर आपको एडजस्ट ब्राइटनेस करके दिखेगा, इसको आपको पूरा कम कर देना है। ये 5 तक आएगा तो पूरा आपको 5 तक लेके चले आना है। फिर यहाँ पर कोई कुछ नहीं करना है, हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव कर देना है। सेटिंग को करने के बाद हमें ऐप सेटिंग पर चलना है और यहाँ पर जो भी हमें नोटिफिकेशन लाइटिंग जो भी सेटअप है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। और फिर ऑल यूज़ ऑफ और ऑन पर हमें सेट कर देना है। जैसे कि चार्जिंग हो गया, यहाँ पर हम ऑल यूज़ ऑफ और ऑन स्क्रीन पर कर देते हैं। फिर यहाँ पर म्यूज़िक लाइटिंग, म्यूज़िक जब चलेगा तब भी नोटिफिकेशन ऑन हो। दोस्तों ऐसे ही आपको जो जब जब आपका नोटिफिकेशन लाइट ऑन हो वो आप मैन्युअली यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। करने के बाद जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था सेव कैसे करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर ये लास्ट सेटिंग था, सेव करने के बाद अपना जो है काम हो गया है। फिर यहाँ पर आप बैक हो जाइए और मैं आपको दिखाता हूँ एक टेक्स्ट करके इस वाले फ़ोन पे मैं एक SMS करके मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन लाइट कैसे ऑन होता है। और बस ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक SMS किया है और जो नोटिफिकेशन लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पर ऑन हुआ है, पहले इस वाले फ़ोन पर नोटिफिकेशन लाइट नहीं था। तो आप भी ऐसे कुछ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है ताकि आगे और वीडियो लाऊँ। तो प्लीज़